पटना से बड़ी जानकारी, जहां मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र होने वाला है और आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। 22 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हो रही है और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए राजीव, विधान परिषद और विधानसभा में मीटिंग होने वाली है, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 5 दिवसीय शुरू होने वाला है। इसको लेकर के चारों तरफ से तैयारी का दौर शुरू है, पक्ष विपक्ष सभी लोग लगे हुए हैं। इस बीच विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति दोनों ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चूंकि मॉनसून सत्र ठीक से बीत जाए, जो विधायी कार्य है वो पूरे कर लिए जाए, सही ढंग से उसे पास करा लिया जाए, इसको लेकर के ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लेकिन विपक्ष अपने तेवर के साथ इस मॉनसून सत्र में अपनी तैयारी में लगा हुआ है। चूंकि उनका तर्क है कि जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है, जिस तरह से आए दिन रोज हत्याएं हो रही हैं, मुकेश सहनी के जो कि वीआईपी के सुप्रीमो है उनके पिताजी की हत्या हुई है, इन सब बातों को लेकर के और खास करके हाल के दिनों में जो पुल पुलिया गिर रहे हैं, इसको लेकर के विपक्ष हमलावर होगा। और ये विपक्ष के लोगों का ने अपने बयान में जारी भी किया है कि इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होगा और ये सत्र जो है काफी मायनों में अहम है, लेकिन कम दिनों के होने के चलते अगर हंगामा होता है तो फिर बहुत सारे कार्य बाधित हो जाएंगे। तो इसको देखना होगा कि अब इस सर्वदलीय बैठक जो अभी बिहार विधान परिषद के सभापति और कार्यकारी सभापति जो है अवधेश नारायण सिंह वो बुलाया है, उन्होंने किन कारणों से बुलाया, क्या क्या बातें होंगी, ये आगे आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होगा। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया मानसून सत्र को लेकर जो ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, कितने बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा? देखिए 3 बजे से जो है बिहार विधान परिषद में सर्वदलीय बैठक है और 4 बजे से बिहार विधानसभा में सर्वदलीय बैठक है जी। तो ये बैठक दोनों दो टाइम में रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे नेता यहाँ भी रहेंगे, वही नेता विधानसभा में भी रहेंगे, तो कहा जा सकता है कि ये बैठक काफी अहम है और इस बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि किस तरह से सदन चलेगा और क्या होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।